नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। रवा के करीबी गांव कोट मीर शाह में कर्नल सैयद आसम अली शाह आफ रजुआ कोट मीर शाह में अपनी कोठी में आज मुर्दा पाए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम गांव के बहुत सबसे बड़े ज़िम्मेदार होने की वजह से सरदार थे, गरीबों के हमदर्द थे, बहुत ही मिलनसार। आजजी उनमें नुमायां थी, हर एक से बहुत ही इंतहाई शफकत के साथ मिलते थे और अवाम में भी बड़े मकबूल थे। इंसाफ के साथ हर एक के फैसले जो है वो करते थे, गरीबों का भी ख्याल रखते थे। उनकी मौत की अचानक खबर जब फैल गई तो उनकी मौत का मेमा अभी तक हल नहीं हुआ। फ़ोटो में आप देखेंगे कि उनके सोफे पर बैठे हैं और साथ उनकी अपनी ही कलाशनकोव पड़ी है। बहरहाल पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है कि ये दहशतगर्दी है या खुदकशी है। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते। मरहूम के वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब आफ रजोआ, अक्सर लाहौर में रहते हैं, कभी रजोए में आ जाते हैं। बहरहाल उनका सदमा जो है उसमें हम शरीक हैं, क्योंकि वो पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बना के रखते थे, बहुत ही बाखलाक और मिलनसार इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी चंद झलकियाँ ज़िंदगी की और तस्वीर आप अगली इस वीडियो में देख लें और उनके लिए दुआए मगफरत की दरख्वास्त है। और उनके वालिद साहब और उनके भाई और फैमिली के गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और जाने वाले को अल्लाह ताला अपनी रहमत में रह कर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन।
ਕਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।